कश्मीरा बन गई है डायरेक्टर और कृष्णा बन गए प्रोड्यूसर. डायरेक्टर को पूछो, प्रोड्यूसर तो हमेशा टेंशन में रहता है. नो मेंशन, नो टेंशन. ना टेंशन दिया इन्होंने आप. नहीं, इन्होंने मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं दी. शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब. क्योंकि मैं अभी मस्ती करता रहता हूँ ना, फिर पंचेज ऐसे ऐसे निकलते हैं. बट जेन्युइन के मैं आई एम वेरी वेरी हैप्पी. कश्मीरा का एक्सपीरियंस भी है. मैंने फर्स्ट टाइम जंगल फिल्म देखी थी, मुझे याद है, लखनऊ में साहू थिएटर है, वहाँ हज़रतगंजन वहाँ पर साहू थिएटर है. तो मैं ऐसे ही घूम रहा था, तो मेरे को बोला जंगल फिल्म देखो. तो मैंने देखा बड़ी अच्छी है. मुझे नहीं पता था इसी के साथ मैं मेरी लाइफ आगे जंगल ही होगी. लेकिन शी इज़ डन गुड फिल्म्स एंड शी इज़ ब्रिलियंट. शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. मुझे टेलीविज़न, आप देखो आज मैं टेलीविज़न स्टार हूँ, ठीक है. हमें लोग बड़ा पसंद करते हैं, इतने सालों से शोज चला रहा हूँ. शी इज़ द वन हू गॉट मी इनटू टेलीविज़न. एंड इसका डिसीजन था, इसने बोला नहीं यू शुड डू टेलीविज़न, तुम ये शोज़ करो तो तुम्हें बेनिफिट होगा. और आज हमें बेनिफिट हुआ है. फिर इन्होंने कहा फिल्म करो तुम्हें बेनिफिट होगा. तो आई थिंक मुझे करना चाहिए था. तो आई शुड बिलीव हर एंड शी हैड कम अप विद अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड दिस गाय हैज डन अ वेरी गुड जॉब इन द फिल्म. आजकल के जितने नए लड़के हैं उनमें आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल एक्टर्स अगर मैं किसी को बोलूँ तो आई थिंक ही वुड बी. नहीं तो मैं, हम इसे कास्ट नहीं करते फिल्म में, है ना. क्यों अपना पैसा लगाता, कौन अपना पैसा लगाएगा. तो आई थिंक ये बंदा आज तक है और कल तक रहेगा. ऋषभ क्या कहना चाहेंगे? बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इन्होंने मुझे ब्लेसिंग दे दी है. भैया ने दे दी है, कैश ने दे दी है, मम्मी पापा ने दे दी है, सब ने दे दी है. ऑडियंस दे देगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा. अच्छा, सपना की बात करें तो सपना आई कुछ पैसे मांगने के लिए? आप तो आप प्रोड्यूसर बन गए, तो कुछ 1 करोड़ मांगने के लिए आई कि नहीं? प्रोड्यूसर बना हूँ तभी तो फिल्म 1 साल पहले शुरू हुई थी, 1 साल पहले हमारा शो शुरू हुआ था, तभी तो ये 1 करोड़ देना मेरे को. ये तब से चालू हुआ है हमारा, लेकिन आज तक किसी ने दिया नहीं 1 करोड़. लेकिन आई थिंक ये फिल्म मुझे 1 करोड़ नहीं, ज़्यादा करोड़ दिलवाएगी. मुझे ऐसा क्या बोलते हैं, अंधविश्वास नहीं है, थोड़ा भरोसा है. और लेकिन कश्मीरा ने मुझे ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया. एक कंस्ट्रेंट बजट में उसने फिल्म बनाई, ये भी मैं आपको बता दूँ. ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत इतना खर्चा हो गया कि कल को आदमी परेशान हो जाए. उसने बहुत हिसाब से मुझे लाइक अ गुड वाइफ, मतलब पूरा सब मेंटेन रखा है कि मेरा पैसा नहीं अपना पैसा लगाया है ना. लाइक अ गुड डायरेक्टर. लाइक अ गुड डायरेक्टर. और ज़्यादा टॉर्चर नहीं हुआ इस फिल्म में. मुझे था कि इस फिल्म को अभी लोग देखें और ढंग से हम इसकी प्रमोशन करें आज तक पे. I second that thought. अच्छा, ट्रेलर लॉन्च भी है और आरती भी बिग बॉस में एंट्री कर रही है. हाँ. तो क्या कुछ टिप्स? मैं आरती के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ. बिग बॉस कर रहे हैं. शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई नो. शी इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट सिस्टर आई हैव. एक ही बहन है मेरी, रियल सिस्टर. बड़ा प्यार करता हूँ मैं उससे. और आज मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ हमारे लॉन्च पे. वो होती तो अभी यहाँ इधर उधर भाग रही होती, बड़ा इन्जॉय कर रही होती. आई थिंक उसे, मैंने उसको कहा जब कल सलमान भाई और हम लोग साथ में थे, मैं उसे स्टेज पे छोड़ने गया था. तो मैंने, भाई ने बोला इसको टिप्स दो. मैंने बोला जस्ट बी योर सेल्फ. और अगर तुम्हारे पे कोई बात आ जाए रिस्पेक्ट पे और कैरेक्टर पे तो उसको छोड़ना नहीं. फिर तो भाई भी उसको नहीं छोड़ेंगे ना. भाई भी सैटरडे संडे आते हैं ना. कोई गलत बोलता है तो क्लास लगाते हैं. तो मैंने सलमान भाई को जाते जाते से हाथ जोड़ा. मैंने उनसे हाथ मिलाया. मैंने सर मेरी बहन का ख्याल रखना. उन्होंने बोला अरे मैं हूँ, फिक्र मत करना. उन्होंने बोला तो भाई भी हैं तो आई लव हिम, ही लव्स अस, ही नोज अस सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो आई एम हैप्पी बिग बॉस के घर गई है. उसने स्टेज पे बोला कि मुझे लोग गोविंदा की नीस बोलते हैं, कृष्णा का भाई बोलते हैं. अब लोग कृष्णा की बहन बोलते हैं, सॉरी मैं सपना में रहता हूँ ना. कृष्णा की बहन बोलते हैं. लेकिन अब मुझे लोग आरती के नाम से जानेंगे. मतलब दिस इज़ योर फर्स्ट सक्सेस की पहली सीढ़ी कि तुम सलमान खान के साथ खड़ी हो, ये तुम्हारी फर्स्ट सक्सेस है. करेक्ट. कश्मीरा तो घर जा चुकी, मतलब रह के आ चुकी है. तो तुमने कुछ टिप्स? बहुत सारी टिप्स दी. मैंने बोला कि किसी को सुनाना नहीं, बट किसी का सुन के भी मत लेना. यू नो, मेक अस प्राउड. ऐसा कोई बात नहीं, वी आर योर फैमिली, विल ऑलवेज बी बाय योर साइड. जो भी मन में आता है वो करो, बी योर सेल्फ. तो कृष्णा एक एक करके सब घर के लोग बिग बॉस के घर जा रहे हैं, तो कृष्णा की कुछ ऐसी तैयारी है कुछ? नहीं, मेरा था ऐसा कुछ नहीं है मेरा, क्योंकि हमारा शो बहुत अच्छा चल रहा है. और प्रोड्यूसर सलमान भाई हैं हमारे ना, तो वो मुझे बिग बॉस में ले लेंगे तो शो का क्या होगा हमारे. तो नहीं, अभी बिग बॉस कपिल शर्मा शो पे होने ही वाले हैं. हाँ बिल्कुल, अभी हम 4-5 दिन में जा रहे हैं. और नाइस ऑफ आर टीम, बड़ा प्यार करती है हमें. शो भी बहुत अच्छा चल रहा है. कपिल इज़ गोना कम नाउ, अभी आ रहा है.
डेफिनेटली इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि मेरे से ज़्यादा कपिल कश्मीरा को लाइक करता है. या आई रियली लाइक हिम, आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल मोर एंड आई थिंक हाँ कपिल और इसकी ज़्यादा जमती है मेरे से. क्या कहेंगे ऑडियंस से अपने इस नई इनिंग्स के लिए? आज थोड़ी हल्की फुल्की नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का, लेकिन हमने एक बहुत ही स्वीट कॉमेडी फिल्म बनाई है एक मैसेज के साथ में. अभी मैसेज क्या है वो आप ट्रेलर में देखेंगे. जो लोग क्या मैसेज है, कैश वुड बी बेस्ट पर्सन टू, लोग बहुत जल्दी से गिव अप करते हैं लाइफ में. आजकल क्या व्हाट्सएप का जमाना आया, मैसेज पे ब्रेकअप्स होता है, यू नो किसी ने कुछ बोल दिया, सुइसाइड किया. आई थिंक लाइफ इज़ मोर ब्यूटिफुल देन डेथ, तो चूज़ लाइफ नॉट डेथ. एंड इतना जल्दी गिव अप करने की ज़रूरत नहीं. इनफैक्ट मैंने अपने फेलियर्स से ज़्यादा सीखा है, मेरे सक्सेस से ज़्यादा नहीं सीखा. तो आई थिंक दिस इज़ द मैसेज ऑफ माई फिल्म. प्लस एक और सब स्टोरी भी चल रही है जहाँ पे द मैसेज इज़ टू लव योर फैमिली, लव योर पेरेंट्स, यू नो दे डोंट हैव एनीवन अदर देन अस. क्या बोलना है? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि ऑडियंस मुझे प्यार दे. ब्लेसिंग मुझे मेरे घर से मिल गई है, भैया की मिल गई है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैश की मिल गई. बस अब हम लोगों ने बहुत मेहनत की है, ऑडियंस अगर एक्सेप्ट करती है तो इट विल बी वेरी गुड. नहीं करेगी तो अगली बार और मेहनत करके आएंगे.